डिलीट लाइव यहाँ है السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليكم يا ابا عبد الله الحسين اذان مغرب بوفق کربلا نو محرم عزاداران مظلوم کربلا آپ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اس وقت نو محرم 2021 1443 کی اذان مغرب نو محرم کی हम हरम मौला अब्बास से सुन रहे हैं और आपके लिए टेलीकास्ट कर रहे हैं। ये तिलावत मौला अब्बास के रोज़े से आपको सुनाई दे रही है और अब से चंद मिनट के बाद आपको अजान मगरिब बावफ़ाक़े करबला मैं सुनवाने की कोशिश करूँगा। मौला मुझे इज़्ज़त दे कि ये अजान मगरिब मैं आपके लिए पेश कर सकूँ। मैं रोज़ा मौला अब्बास की छत पे हूँ और पीछे आप देख रहे हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा नज़र आ रहा है। कुछ ही मिनट के बाद अजान मगरिब करबला मौला से होगी और आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे साथ कैमरे पे मौजूद हैं हाजी आगा इसमें इस मोहम्मद मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त हरम मौला अब्बास की छत पे और ये यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हैं। यहाँ परमिशन नहीं होता, यहाँ के मसूलीन ने इन्हें मेरे साथ भेजा है लेकिन मेरे साथ कैमरामैन नहीं ऊपर आ सका, परमिशन नहीं थी। तो इस वक्त मोहम्मद मेरे कैमरे पे मौजूद हैं। या मौला अब्बास मोहम्मद और मेरे साथ तमाम आलम के मुसलमानों को, तमाम आलम के मोमिनीन को अपने हिफ्ज़ अमान में रखिए, इस बीमारी से हमें दूर कीजिए और इंशाअल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देते रहें। मुझे मौला इज़्ज़त दें कि मैं हर साल दो बार चार बार जितनी मैं आ सकता हूँ मैं यहाँ मरासिम करूँ और यहाँ आकर तमाम दुनिया के मोमिनीन जिन्होंने दुआ के लिए कहा है उनको मैं ये मरासिम दिखा सकूँ। मैं मौला अब्बास के रोज़े को भी दिखाना चाह रहा हूँ। मोहम्मद मुझे दिखा रहे हैं, ये देखिए ये पीछे आप मौला अब्बास का रोज़ा देख रहे हैं और ये यहीं से ये आवाज़ आ रही है, ये अजान मगरिब बा उफ़क़े ये देखिए ये अब अजान से पहले मुख्तसर सी ये दुआ हो रही है और जैसे ये दुआ ख़त्म होगी इंशाअल्लाह हम 9 मुहर्रम 2021 की नमाज़े मगरिब आपको दिखाएंगे। अपने मेज़बान बाकर जैदी को कायम टीवी कनाडा और बीजी टीवी जर्मनी की इस स्पेशल नशियात के साथ इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये देखिए ये करबला मौला में 7:05 बाकी हैं, शाम हो रही है, करबला में शब आशूर आ रही है और अब से कुछ ही देर बाद अजान मगरिब होगी और शब आशूर शुरू हो जाएगी और हम मौला अब्बास के रोज़े की छत पे मौजूद हैं। ये है इज़्ज़त और ये है मौला का एहसान, मौला का करम हमारी ज़ात पे। मैं
हज़ार बार भी ये शुक्र अदा करूँ तो कम है कि मैं इस वक्त मौला अब्बास के रोज़े की छत पे मौजूद हूँ और आपके लिए ये स्पेशल ट्रांसमिशन। ये देखिए ये चांद आपको नज़र आ रहा है, इसी चांद के लिए कहा था ऐ चांद न ढलना कि उजड़ जाएगी ज़ैनब। ये वही चांद है कि जिस पर अहले बैत ने कहा था कि ये चांद अगर गुज़र गया नौ मुहर्रम का तो अहले बैत पे क़यामत आ जाएगी। और इस वक्त हम करबला में वो चांद दिखा रहे हैं आपको कि जो जब ख़त्म होगा, कल सूरज जब नमूदार होगा तो अहले बैत पे क़यामत का मंजर होगा, आशूर का दिन होगा और अहले बैत पे जुल्म की इंतहा हो जाएगी। ये वही मैदान है। मैं इस वक्त मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की रोज़े की छत पे हूँ और सामने बैतुल हरमैन में मौला हुसैन का रोज़ा आप देख रहे हैं, ये देखिए। और मैं इस छत से आज नौ मुहर्रम को नमाज मगरिब से दो तीन मिनट पहले आपके लिए स्पेशल रिपोर्ट बना रहा हूँ। ये बड़े बड़े बादशाहों को ये खुशकिस्मती नसीब नहीं हुई कि वो इन हरम के छतों पे या इनके मीनारों पे या ये इनके हाथे में या जरी के पास जाकर कोई चीज़ दुनिया को बता सकें या नशर कर सकें। ये मेरे मौला हुसैन और मौला अब्बास का मुझ पे हमेशा करम रहा है कि जब इन्होंने बुलाया, मुझे इज़्ज़त दिया कि मैं ये जसारत कर सकूं कि मैं यहाँ हरम की छत से आप लोगों के लिए ये ट्रांसमिशन पेश कर सकूं। ये देखिए चंद कैमरे हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, जिसमें मेरा भी कैमरा शामिल है। देखा जाए तो इस वक्त ये तीन कैमरे हैं, मैं और ये दो चैनल वाले हैं जो यहाँ बैठ कर ये नशरियात कर रहे हैं। और मौला का करम है कि मैं इस स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको हरम मौला अब्बास की छत से ये स्पेशल ट्रांसमिशन दे रहा हूँ। इस वक्त पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, यहाँ से बहुत कम जाहिर आए हैं। इंडिया से तो कोई भी जाहिर नहीं आ सका, लेकिन पाकिस्तान से बहुत सारी फ़्लाइटें अब पहुँच गई हैं। अजान तुम तो अल्लाह तमाम। ये मोहम्मद हैं, मोहम्मद इस वक्त हमारे साथ हैं जिन्होंने इस वक्त ये नशरियात आपको ऑनलाइन दिखाई। मोहम्मद तशक्कुर, सलाम अलैकुम हबीबी हबीबी। ये मोहम्मद यहाँ पे सिक्योरिटी के साथ मेरे साथ आए थे और इन्होंने मेरे साथ कैमरा मैनी भी की। मौला इनकी तौफीकात में इजाफ़ा करे। ये हरम के करीब के कुछ होटल हैं, लेकिन अब ये बहुत वसी कर रहे हैं, इन होटलों को तोड़ा जा रहा है और अब ये दुआ हो रही है खुदा करे कि मेरे कैमरे की बैटरी मेरा साथ दे और मैं आपको ये अजान मगरिब बौफ़े करबला 9 मुहर्रम 1443 दिखा सकूं। ये देखिए मैंने आपसे जैसे कहा कि इस वक्त हम हरम की छत पे हैं, ये मौला अब्बास की ये घड़ी, ये देखिए ये रोशन हो गई, इसके अंदर जो रोशनी थी वो आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं। ये 7:00 बज के कुछ मिनट पर मगरिब की अजान होती है और 7 बज चुके हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं आपको ये स्पेशल ट्रांसमिशन कायम टीवी कनाडा और बीजी टीवी जर्मनी से दिखा सकूं। ये देखिए मौला अब्बास के रोज़े के बिल्कुल ऊपर ये चांद निकला हुआ है, 9 मुहर्रम का चांद है। ऐ चांद ना जाना, क्योंकि ये चांद अगर ग़ुरूब होगा और सूरज तुलू होगा तो इस अहले बैत के घराने पे क़यामत का मंज़र होगा। आप अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपने कमेंट्स, किसी भी मुल्क में आप रहते हों, अपने शहर का नाम और अपने मुल्क का नाम ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि इस वक्त हम यहाँ से लाइव आपको हरम मौला अब्बास से ये ट्रांसमिशन दिखा रहे हैं। ये देखिए ये मौला अब्बास का नाम, इससे इलेक्ट्रॉनिक्स एक मीनार से दूसरे मीनारे तक इन्होंने ये इलेक्ट्रिक का एक सिलसिला रखा है। अभी देखिएगा इस पे ये नाम आएगा लिखा हुआ और इस पे पूरी जहाँ करबला में जहाँ जहाँ लोग हैं वो इस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो मौला का नाम आता है, ये देखिए ये आया अस्सलामु अलैका या अबा अल फजील अब्बास। ये देखिए आप बिल्कुल
मौला अब्बास के रोज़े की छत से देख रहे हैं। अस्सलामु अलैका या साकी कौसर, अस्सलामु अलैका या साकी अताशी। और ये देखिए, ये आपको मैं बिल्कुल इस वक्त करबला के मनाजिर दिखा रहा हूँ। और ये मंज़र देखिए, आसमान आहिस्ता आहिस्ता स्याही में तब्दील हो रहा है। और 9 मुहर्रमुल हराम है आज, और ये स्पेशल ट्रांसमिशन मैं पूरी दुनिया के लोगों को दिखा रहा हूँ। ये मैं अपनी कैफियत नहीं बता सकता कि मैं इस वक्त अजान मगरिब बाउफ़ करबला आपको दिखा रहा हूँ। अजान मगरिब बाउफ़ करबला आप देख रहे हैं मौला अब्बास के रोज़े से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये देखिए, ये देखिए, मैं इस वक्त अजान मगरिब 9 मुहर्रम की आपको दिखा रहा हूँ करबला से। अजान मगरिब मौला गाजी अब्बास के रोज़े की छत से आपको दिखा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मेरी क्या कैफियत है, क्योंकि ये मौला हुसैन के रोज़े से भी आवाज़ आ रही है, मौला अब्बास से भी। नौ मुहर्रम की आज नमाज मगरिब और इशा और अजान मगरिब आप कायम टीवी कनाडा और बीजी टीवी जर्मनी से देख रहे हैं। ये देखिए, अज़ादारा ने मज़ूम कर बोला, मैं आपको बता नहीं सकता। ये अजान मगरिब 9 मुहर्रम की 2021, इसको सुनने के लिए पूरी दुनिया में लोग बेताब हैं। जो ज़ायरीन आना चाह रहे थे, जो नहीं आ सके, वो इस अजान के लिए बड़े बेताब थे। आज 9 मुहर्रम की रात है, कल शब आशूर है, कल आशूर का दिन है। ये अजान अहले बैत ने आखिरी अजान सुनी थी, इसके बाद सुबह से भी एक जनाब अली अकबर ने अजान दी है, और उसके बाद कोई अजान देने वाला नहीं था। ये सरजमीन करबला से ये आज हय्याल खैर अल अमल। पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं या इंसान हैं जो इंसानियत को समझते हैं, वो इस अजान को सुन के ज़रूर मुतासिर होंगे। हुसैन इब्ने अली ने अजान को बचाने के लिए, नमाज को बचाने के लिए अपना सर दिया। देखिए, आज उनके सरदार, उनके
सिपह सालार मौला अब्बास की छत, रोज़े की छत से मैं आपके लिए ये ट्रांसमिशन दे रहा हूँ। और अभी आपको दिखाऊँगा बैनुल हरमैन के लोगों की कैफियत। ये हमारी खुश नसीबी है कि हम यहाँ मौजूद हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अजान में ला इलाहा इल्लल्लाह, इसीलिए सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है, सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है। अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, जो हम सब का खुदा है। ये वो बड़ा और अजीम अल्लाह है जिसने अहले बैत को भी खल्क किया है। ये वो अल्लाह है जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा